वेल स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव पर. ओके, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एडजेक्टिव के वो वर्ड्स लेंगे जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर के गलतियां कर देते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम वर्ड लेंगे सम और एनी. ओके, तो सम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर ये आपका यूज अफर्मेटिव में ही होगा. ओके, जैसे एग्जाम्पल लिया, आई हैव सम बुक्स. ओके, तो सेंटेंस में देख रहे हैं बुक्स से पहले सम का प्रयोग किया गया है. ओके, तो ये एकदम करेक्ट है और सेंटेंस ये आपका अफर्मेटिव है. ऑलराइट, जैसे आई हैव सम मिल्क. मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले सम का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो यूज करेक्ट है. ऑलराइट, सेकेंड है एनी का प्रयोग काउंटेबल व अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, बट यूजेज में नेगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए. ओके, जैसे आई डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. ओके, तो बुक से पहले एनी का प्रयोग किया गया है, यहाँ हम सम का प्रयोग नहीं कर सकते बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव है. ऑलराइट, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप एनी का प्रयोग करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करेंगे. ओके, लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सम और एनी दोनों का ही प्रयोग करेक्ट होगा. एग्जाम्पल, विल यू गिव मी सम वाटर. ओके, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो वाटर से पहले सम का प्रयोग किया गया है. ओके, यहाँ हम एनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों ही यानी सम भी और एनी भी दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है. ऑलराइट, नेक्स्ट में है कि नो के बाद में एनी का प्रयोग कभी नहीं होगा. अक्सर स्टूडेंट्स में गलतियां कर देते हैं. ओके, नो के बाद एनी का प्रयोग नहीं होता है, नॉट के बाद ही एनी का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल, आई हैव नो एनी बुक्स. ओके, देखा गया कि बुक से पहले एनी का प्रयोग है और उससे पहले नो है, लेकिन नो के बाद में एनी का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, रॉन्ग. अगर नो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो एनी का प्रयोग नहीं होगा. ओके, और अगर एनी का प्रयोग कर रहे हैं तो नो का प्रयोग नहीं होगा बल्कि नॉट का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस होगा आई हैव नॉट एनी बुक, या सेंटेंस होगा आई हैव नो बुक्स. ऑलराइट, तो सम और एनी वर्ड के यूजेज में आप सही समझ गए होंगे. नेक्स्ट चलते हैं मच और मैनी. मच का प्रयोग और मैनी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में. ओके, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग करते हैं और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैनी बुक्स. तो बुक से पहले क्या दिया हुआ है, मैनी, तो बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले हमने मैनी का प्रयोग किया है. मच एक्सपीरियंस, मच एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने यूज किया है मच का. ऑलराइट, लेकिन अफर्मेटिव वाक्य में मैनी तथा मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले हम नहीं करते हैं. ओके, यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस, ऑब्जेक्ट वर्ड से पहले आप मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे. अक्सर स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी गलतियां करते हैं. ओके, अक्सर लोग बात करते हैं कि आई नो मैनी गर्ल्स, तो गर्ल्स से पहले मैनी वर्ड दिया गया है क्योंकि ये नो का ऑब्जेक्ट है गर्ल्स और उससे पहले मैनी का यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है, यहाँ मैनी का यूज़ नहीं हो सकता. ओके, क्योंकि अगर सेंटेंस ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट के रूप में मैनी का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस रॉन्ग है, बल्कि मैनी के स्थान पर आप और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. कौन कौन से, जैसे कि ए ग्रेट नंबर ऑफ, या इनफ ऑफ, या अ लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, या प्लेंटी ऑफ. ओके, ये वर्ड आप मैनी के स्थान पर यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने सेंटेंस लिखा था, उसी सेंटेंस को दोबारा राइट करते हैं. आई नो ए ग्रेट नंबर ऑफ गर्ल्स. ओके, अब गर्ल्स जो प्रयोग किया गया है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है,
तो उससे पहले हमने ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया, अब सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम ऐसे सेंटेंस को उसी अंदाज में लिखते कि आई नो मैनी गर्ल्स, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। ऑलराइट, इसी प्रकार से मच का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होगा, ओके, यानी ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं होगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल लिया, आई हैव मच नॉलेज, नॉलेज आपके यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ऑब्जेक्ट से पहले हमने मच का प्रयोग किया है, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, ओके। बल्कि मच के स्थान पर आप यूज़ कर सकते हैं ए ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, या अ लॉट ऑफ, ओके। तो अब सेंटेंस सही बनेगा, आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज, ओके। सेंटेंस अब आपका करेक्ट हुआ। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी के साथ में आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करेंगे, ओके। जैसे मैनी बॉय, तो बॉय क्या देखा यहाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो मैनी के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अक्सर ये भी सेंटेंस में मिस्टेक मिल जाती है, तो मैनी के साथ में प्लूरल नाउन ही आएगा, तो मैनी बॉयज, ओके। मच के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, ओके। जैसे मच मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने यूज़ किया है मच का, ऑलराइट। लेकिन मैनी के साथ में ए और एन दिया हो, अगर मैनी हो और मैनी के साथ में ए और एन दिया हो, तो उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, ओके। और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, जैसे मैनी ए गर्ल वॉज प्रेजेंट, ओके। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, वॉज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है और मैनी ए के बाद में आपने गर्ल का यूज़ किया है। हालांकि अगर हम मैनी गर्ल्स करते हैं तो वो सेंटेंस भी हमारा इक्वल ही सेंस देगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेज है लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, ओके। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, ये नेगेटिव सेंस देगा, नेगेटिव आइडिया, यानी हमारा जो आइडिया होगा नेगेटिव, न के बराबर, ओके। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, यह आपका पॉजिटिव सेंस देगा, यानी पॉजिटिव ही आइडिया रखेंगे हम इसमें। द लिटिल का मीन्स होता है थोड़ा, पर सब का सब, यानी जितना भी है सब, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही आइडिया देगा, ओके। एग्जाम्पल, ही हैज लिटिल मनी, ओके। मनी से पहले हमने लिटिल का यूज़ किया गया है, तो लिटिल का जब हमने यूज़ किया है तो इसका मतलब यह है कि आइडिया उसके पास में न के बराबर पैसा है, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या है, न के बराबर, ओके। अगला सेंटेंस में एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज़ अ लिटिल मनी, अब इसका मतलब होता है कि उसके पास में थोड़ा धन है, यानी थोड़ा पैसा है, पॉजिटिव सेंस, ओके। एक सेंटेंस राइट करते हैं, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, ओके। यहाँ मनी से पहले हमने द लिटिल का प्रयोग किया है, तो सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर आया है। अब मतलब है कि मैंने सारा पैसा, यानी थोड़ा पास पैसा था मेरे पास मात्रा में, ओके, उसे मैंने सब खर्च कर दिया, जो मेरे पास में था, यानी जो मेरे पास में थोड़ा पैसा था मात्रा में, उस सबको मैंने खर्च कर दिया, ओके। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आइडिया दे रहा है, थोड़ा पैसा था, न के बराबर पैसा था, और जितना भी था सारा था, पॉजिटिव सेंस भी हो गया, नेगेटिव सेंस भी हो गया, और सब कुछ मैंने खर्च कर दिया। ऑलराइट, एक चीज़ में याद रखनी होती है, लिटिल और लिटिल द लिटिल तीनों का प्रयोग ही आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ही प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, आई मीन काउंटेबल नाउन के साथ में हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मनी यहाँ था, मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले ही हमने लिटिल और लिटिल द लिटिल का प्रयोग किया, ओके। आगे बढ़ते हैं, यूज है फ्यू, ऑफ यू एंड द फ्यू, ओके। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लिटिल आ लिटिल और द लिटिल है, ओके, बस थोड़ा सा अंतर है। समझ लीजिए, फ्यू का प्रयोग, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, ओके। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, द फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, पर सब का सब, यानी जितना भी है सब, ओके। लेकिन
इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग करते हैं। जैसे अ लिटिल द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं, उसी प्रकार से फ्यू अ फ्यू और द फ्यू इसका प्रयोग आप काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग करेंगे। ओके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई हैव फ्यू बुक्स यानी मेरे पास न के बराबर किताबें हैं। न के बराबर किताब मतलब है ही नहीं, सेंस नेगेटिव शो करेगा। ओके अगर मैं ये कहता हूँ आई हैव अ फ्यू बुक्स तो अ फ्यू बुक्स है इसका मतलब मेरे पास थोड़ी किताबें हैं यानी मात्रा में हैं। ओके बुक्स काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने फ्यू अ फ्यू का प्रयोग कर रहे हैं, लिटिल अ लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके अगर मैं कहता हूँ द फ्यू मैन आई सा वर बाउंडेड यानी द फ्यू मैन यानी थोड़े व्यक्ति जितने भी थे जिनको मैंने देखा वो सब कैसे थे, घायल। तो द फ्यू मैन यहाँ निश्चित हो रहा है, डेफिनेट है। ओके थोड़े थे मगर जितने भी हैं सबके सब उनको मैंने देखा वो सब कैसे थे, जख्मी थे। ओके तो यहाँ हमने यूज़ किया द फ्यू का, मैन आपका काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने फ्यू का यूज़ किया है, लिटिल का यूज़ नहीं करें। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं, ऑल एंड हुल दोनों का मतलब ही होता है सब, जितना भी है सब। ओके लेकिन ऑल का प्रयोग आप प्लूरल काउंटेबल नाउन व सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ओके अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर और काउंटेबल नाउन प्लूरल से पहले आप ऑल का प्रयोग करते हैं। ओके और ऑल के बाद में द का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे ऑल द बुक्स आर कॉस्टली हेयर। तो यहाँ बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन, उससे पहले आपने द का यूज़ किया है और उससे पहले आपने ऑल का प्रयोग किया है। ओके इसी प्रकार से आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी ऑल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑल द मिल्क वॉज स्पॉइल्ड। ओके ऑल द मिल्क, तो मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, उससे पहले भी आप ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलराइट हुल का प्रयोग, देखिए हुल के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, हुल के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। ओके जैसे द हुल सिटी, तो सिटी आपका सिंगुलर नाउन है, उससे पहले आपने यूज़ किया है हुल का। ओके और द का प्रयोग हुल के बाद नहीं होता बल्कि पहले होता है। ओके ऑल के बाद होता है। ऑलराइट याद रहे कॉमन नाउन से पहले हुल का प्रयोग करते हैं और अगर प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले आप हुल ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल द होल टाउन, तो टाउन जो है आपका कॉमन नाउन है, उससे पहले आपने यूज़ किया है हुल का। ओके और अगर प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन जानते हैं यानी इंडिविजुअल नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, जैसे द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया, तो इंडिया क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है और उससे पहले आपने हुल का नहीं बल्कि हुल ऑफ का यूज़ किया है। ओके क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे यूज लेते हैं हम अदर और अनदर। ओके अदर एंड अनदर, अदर का मतलब होता है दूसरा या अन्य। ओके ये सिंगुलर व प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, यानी अदर का प्रयोग सिंगुलर व प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, जैसे द अदर बुक्स यानी दूसरी किताबें, बुक्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन है और प्लुरल है, उससे पहले आप अदर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द अदर हैंड यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले भी आप अदर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट लेकिन अनदर का मतलब होता है एक और या एक दूसरा, एक और दूसरा। ओके इसका प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं होगा। ओके सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही होगा।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अनदर पेन, अनदर पेन, तो पेन से पहले क्या वर्ड है? अनदर, यहाँ पेन से नहीं हो सकता। ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं, अनदर बुक, नॉट बुक्स, बुक ही रहेगा, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही रहेगा। ओके इसमें एक्सेप्शन भी है, एक यूजेज, एक एक्स्ट्रा यूज भी है, वो ये है कि अनदर के बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव आने पर, यानी अनदर के बाद में यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है, जैसे न्यूमेरल एडजेक्टिव कैसे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इनकी संख्या आती है तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग ही होगा। एग्जाम्पल जैसे अनदर 5 आवर्स, ओके अनदर 5 आवर्स, तो अनदर के बाद में 5 यानी न्यूमेरियल एडजेक्टिव दिया है और उसके बाद में नाउन है, तो नाउन कैसा रहना है? प्लूरल रहना है। ऑलराइट चलिए।